उपग्रह NBS-1 को लेकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान सोमवार को वहां अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुआ। इसरो ने बताया कि GSLV-F12 ने नौवां उपग्रह NVS-1 को सफलतापूर्वक उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया। इससे आपके मोबाइल को क्या होगा फायदा, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए जमाने का नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। इस जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी GSLV-F12 से अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये सैटेलाइट 2016 में लॉन्च की गई IRNSS-1G सैटेलाइट को रिप्लेस करेगी। इसरो ने 51.7 मीटर ऊंचे रॉकेट से NVS-1 लॉन्च किया। रॉकेट ने सुबह करीब 10:42 उड़ान भरी। श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पेड से सुबह 10:42 GSLV ने उड़ान भरी। यह सैटेलाइट मोबाइल में लोकेशन सर्विस, IoT, स्ट्रेटेजिक लोकेशनिंग, सरकारी एजेंसियों के लिए टाइमिंग सर्विस, सैटेलाइट ऑर्बिट की खोज, फ्लीट मैनेजमेंट, इमरजेंसी सर्विस, जियोडेटिक सर्वे और जमीनी, हवाई और समुद्री नेविगेशन का काम करेगा। नेविगेशन सिस्टम के लिए बनाए गए इस सैटेलाइट में एक परमाणु घड़ी यानी रूबिडियम ऑटोमेटिक क्लॉक भी लगाई गई है। यह घड़ी सटीक और बेहतर लोकेशन, टाइमिंग और पोजीशन बताने में सक्षम है। बहुत कम ही देश ऐसे हैं जिनके पास यह घड़ी मौजूद है। इसे अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने बनाया है। इसरो के मुताबिक NVS-1 अब से 12 साल तक काम करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।